हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे दूसरे ब्लॉग में। और आज हम जा रहे हैं बेंगलोर की सबसे तो नहीं, वन ऑफ द मोस्ट क्राउडेड प्लेस में, जिसका नाम है चर्च स्ट्रीट। वहां जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे चर्च स्ट्रीट कैसा है, बताऊंगा मैं आपको सब कुछ। बने रहिए मेरे साथ। बेंगलोर की ना एक बात है, रोड्स पे ट्रैफिक कितना भी हो पर रोड साइड ग्रीनरी पूरी है। इस बंदे को दिखा मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसने रेव दे दी। अब जिसको नाम पता है गाड़ी का कमेंट कर दो। अब आ चुके हैं हम चर्च स्ट्रीट पर और ये है आपका बेंगलोर का चर्च स्ट्रीट। हैव अ लुक। अभी तक मेरे को सिर्फ स्ट्रीट दिख रही है, चर्च तो कोई दिखा नहीं। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। पर सही बताऊं तो भाई स्ट्रीट भी नहीं दिख रही है, इतनी भीड़ है लोगों की कि लोगों के अलावा कुछ और दिख ही नहीं रहा है यहाँ पर। और एक बात देखी मैंने, यहाँ पर काफी यंग क्राउड आया है, और होगा भी क्यों नहीं, बच्चे से लेके बूढ़े तक सब यंग बने घूम रहे हैं आजकल। तो अपने इंडिया की एक बात तो माननी पड़ेगी भाई, कितनी महंगी जगह चले जाओ, कितना बड़ा शोरूम खोल लो, कैसी भी जगह चले जाओ, चाहे मुंबई ले लो, बेंगलोर ले लो, दिल्ली ले लो, कैसी भी जगह ले लो, पर एक दो अपने गोलगप्पे वाले भैया तो आपको हर जगह दिख जाएंगे। जलवा है हमारा। ये देखो, ये रेक और भैया, और ये कुछ टाइप का यार कुछ ये हो रहा है, मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है, क्या नाम है इसका। जिसको का कुछ पता है इसके बारे में वो ज़रा कमेंट करके बताएं क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या बोलते हैं इस चीज़ को। और इस कुत्ते की आंखें कहाँ हैं, इस डॉगी की आंखें कहाँ हैं भाई। इधर चर्च स्ट्रीट पर एक ही शॉप है जो मुझे काफ़ी यूनिक सी लगी, जो अपने आर्टिस्ट भाई लोग हैं ना उनको तो ये जगह काफ़ी पसंद आएगी। ऊपर तो इन्होंने मस्त करके ड्राइंग और पेंटिंग रखी है, और नीचे कपड़े और मिनिएचर्स रखे हैं। और अपने इस जोकर की बड़ी सी ड्राइंग देखकर मैं तो ये सोच रहा था यार ये बनाई कैसे होगी, मेरे से तो एक एप्पल ना बने कॉपी पर, इन्होंने वॉल पर इतनी बड़ी पेंटिंग कर दी यार। और बाकी देखो यहाँ मस्त मस्त हर करेक्टर को लेके इन्होंने बना रखा है, ये टर्मिनेटर बना रखे हैं अपने, बॉब मार्ले बना रखा है, काफ़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ें बना रखे हैं यार। और किसी ने अगर डिक्टेटर मूवी देखी है ना तो देखो उसका भी है यहाँ पर। और ये आ गए अपने रजनीकांत सर, यन्ना रसकला माइंडेड, यहाँ की जान है भाई ये। ये इन्होंने हॉगवर्ट्स फ्रेम करवा रखा है, ये शायद से स्टार वॉर्स से है, ये मेरे को पता नहीं, ये अपना सुपरमैन, सारी आइकॉनिक चीज़ें फ्रेम करवा रखी हैं। अब ये देखो यहाँ भी, यहाँ ड्रैगन बॉल सी, और ये देखो ये इल्यूजन वाला दोनों तरफ से दिखता है। अब इसके बाद नीचे चलते हैं, और नीचे कपड़े हैं, और नीचे हैं देखो कपड़े, ये टॉम एंड जेरी की टी शर्ट्स हैं, और ये अपना कैप्टन अमेरिका, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, निंजा टर्टल भी था, और क्या कहते हैं फ्लैश भी है। कपड़े तो अच्छे हैं, बहुत देख लिए, अब चलते हैं कुछ खाने। आपको पता है यहाँ की सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ का मौसम, मौसम देखो, व्यू देखो। अब अगर आप बेंगलोर आते हो आप इस जगह जरूर आना, चर्च स्ट्रीट बेंगलोर की बहुत बढ़िया जगह है, यहाँ की ब्यूटी, यहाँ का एटमॉस्फेयर सब बढ़िया है। यहाँ पे आपको अच्छी अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, सस्ती से लेके महंगी चीज़ सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पर। अभी यहाँ पे एक कॉन्सर्ट भी होता था, लाइव शो टाइप में, अभी बंद हुआ है, अब देखते हैं दोबारा कंटिन्यू करते हैं नहीं करते। एंड मेरे को ब्लॉगिंग करनी नहीं आती, मेरे को नहीं पता क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना, सो आई एम लर्निंग, सीखते सीखते करेंगे। ये सब कुछ मेड इन इंडिया है, एप्पल कलेक्शन। हेलमेट को ले जाएगा कोई आपके हैंड से, कोई ले जाएगा।
दीदी को खाने से फुर्सत नहीं है। इसकी आंखें अर्शद वारसी जैसी लग रही। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? How much for this? 300 रुपए का है। जगह तो बढ़िया है भाई, है आओ घूमने अच्छे से, मस्त कर रखा लोगों ने काम, कितना मस्त लग रहा है यार ये, मतलब लाइटनिंग कितनी प्यारी लग रही है। तो ये थी आपकी चर्च ट्रिप, और मुझे पता है ज़्यादा अच्छी ब्लॉगिंग करी नहीं है मैंने, पर आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कुछ अच्छा करके लाएं, अच्छा लाएं आप सबके लिए, ओके। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।